प्रभु के लोगों, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह में। आपका अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। प्रियो, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या उससे जब एक अच्छे संबंध को बनाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर हमारी उन प्रार्थना को उत्तर देता है यदि हम उसके वचन में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते रहते हैं। प्रियो, जब हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी होती है तो शैतान को पूरा अवसर मिलता है कि हमारे जीवन को, हमारे परिवार को तबाह करे। कई परेशानियां वो लेकर के आता है, बीमारियां लेकर के आता है, घर में अशांति को लेकर के आता है। लेकिन जब हम प्रार्थना रूपी हथियार को या शस्त्र को उठा लेते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य से वो हमारे परिवार को, हमारे शरीर को छोड़ करके भाग जाता है। एक बार यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अपने चेलों से कहा था कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। सचमुच प्रियो, हम जब सामर्थी हो जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, और प्रार्थना के द्वारा हम एक नई शक्ति को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को हम प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के गुणों को हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि हम उसके स्वभाव में बदलते जाते हैं, और ये प्रार्थना से ही संभव है। चलिए इस गीत को सुनते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। आमीन, हालेलुया। जागते रहो, जागते रहो, नूर चमकेगा, जरूर चमकेगा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, नूर चमकेगा, जरूर चमकेगा। जागते रहो, जागते जागते रहो, और दुआ करो। जागते रहो, और दुआ करो। की परीक्षाओं में तुम ना पढ़ो। यीशु की आवाज आओ अब सुनो, सब मसीही भाई मिलकर जागते रहो। जागते रहो, जागते रहो, नूर चमकेगा, जरूर चमकेगा। जागते रहो, जागते रहो, और दुआ करो। जागते रहो, और
और दुआ करो। अब कमर कसो होशियार रहो, अब कमर कसो आपको बहुत आयत की आशीष दे और हमेशा परमेश्वर आपको आशीषित करे, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।